सोमवार की रात गलवान वैली में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद चीनी सेना द्वारा बंधक बनाए गए दो अफसरों और 8 जवानों की आज रिहाई हो गई है। गुरुवार को सेना की ओर से बयान जारी कर दावा किया गया था कि कोई भारतीय सैनिक चीनी कब्जे में नहीं है, लेकिन भारतीय जवानों की रिहाई पर भारतीय सेना ने फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। हालांकि सेना की ओर से ये बयान नहीं जारी किया गया है कि कोई जवान बंधक बनाया गया था या नहीं, लेकिन पीटीआई के मुताबिक चीनी सेना ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन बाद रिहा करा लिया गया है। इससे पहले जुलाई 1962 में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। गलवान घाटी में युद्ध के दौरान करीब 30 भारतीय जवान शहीद हुए थे और दर्जनों जवानों को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कराया गया था। सैन्य सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना द्वारा सोमवार रात किए गए हमले में भारतीय सेना के 76 जवान घायल हो गए थे, जिसमें से 18 गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 58 मामूली रूप से घायल हुए। ले गए एक अस्पताल में 18 जवानों का इलाज चल रहा है जबकि 58 अन्य विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। भारतीय और चीनी सेना के अधिकारियों के बीच गुरुवार को लगातार 3रे दिन मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के साथ साथ गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने पर बातचीत हुई। भारत और चीन की सेना 5 मई से आमने सामने है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।